Come get it. गुड आफ्टरनून दोस्तों जय श्री राम राधे राधे आप सभी दोस्तों का आशीष टीचर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता है भाई इस पूरे परिवार का जो टीचिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करने वाले हैं भाई नौकरियों पर कहते हैं बाहर आने वाली है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं तो दोस्तों आप सभी का वेलकम है टीचर अड्डा पर तीन बजे जो मेरे को स्क्रीन पर मेरा परिवार मिलता है भाई कैसे हैं आप लोग एक बार सभी दोस्त बताएंगे भाई सभी दोस्त बताएंगे मैं देख पा रहा हूँ कमरुल तनु हर्षाक्या वर्षा सोनी प्रीति ओझा शकुंतला धीरज कुमार मनु पांडे भाई बहुत थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो रखा है दोस्तों इसलिए थोड़ा सा मैं एंगेज ज़्यादा हो रखा हूँ इस टाइम तो इसलिए आप लोगों के लिए जो बना के ला रहा हूँ दोस्तों पॉइंटर उसको ध्यान से समझे आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं चाहे आपका मोटिव चाहे सीटेट है चाहे केवीएस वी है चाहे रीट है चाहे आपका एमपी टेट है कुछ भी है तो दोस्तों चाहे आपका जीएस आता है चाहे ईवीएस आता है सबके लिए और मैं साइंस की बात करूंगा तो यह साइंस एसएससी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह जीएस में साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं चलो भाई मेरे भाई बहुत बढ़िया भाई गोविंद सरोज शीला मौर्य मनीष गोविंद तनु दिवाकर तो दोस्तों एक बार ये तीस में से तीस पक्के करने के लिए दोस्तों जो मैं लेके आ रहा हूँ खास ऐसा निचोड़ लेके आ रहा हूँ दोस्तों एनसीआर किताबों का आपको पता है आपको पता है एनसीईआरटी की किताबें हर जगह दोस्तों पूछी जा रही है और कुछ भी नहीं आता बाहर से तो एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ एक एक वर्ड एक एक लाइन में खुद हाथ से लिख रहा रहा फिर उसको टाइप कर रहा हूं. तो आप लोगों के लिए खाली दोस्तों पढ़ लीजिए आपके वो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और यह हर पेपर में काम आएगा कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप ठीक है भाई तो लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार बता दूं मैं लेकिन उससे पहले एक बार आप जल्दी से दोस्तों क्या करेंगे जल्दी से दोस्तों सेशन को शेयर कर दिए मेरे भाई जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और टीचर अड्डा सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब टीचर अड्डा दोस्तों एक बार जल्दी से स्पीड के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके भाई बहुत बढ़िया ऑल क्लियर थैंक यू सो मच सर दोस्तों मैं आज आपको खास बात क्या बताने वाला हूं किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति दोस्तों सुपर पावर दृढ़ संकल्प करना है उसे भिखारी से राजा बना सकता है अगर मैंने सोच लिया है कि 2020 में एग्जाम और सरकारी नौकरी लेकर दिखानी है तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती है क्योंकि अगर मैं दिल से हार गया तो हार गया तो और दूसरा इंसान मुझे नहीं हरा सकता है मेरी गारंटी है तो हमेशा बी स्ट्रांग ट्रस्ट और यूनियल्फ और अपने आप को फुल एनर्जेटिक पैशनेट बना के पूरी एनर्जी के साथ मैदान में रहिए जब भी मजा आएगा और जिसको दोस्तों जिसको पाना है वो जागेगा जिसको खोना है वो तो सोएगा ही सोएगा समझ रहे हैं आप लोग आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं और मेरा ये परिवार सुपर परिवार है टीचर सड्डा का दोस्तों टॉपर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे और टीचर सड्डा को दोस्तों टॉपर सड्डा भी बताया जा रहा है बिल्कुल क्योंकि टॉपर्स यहीं से निकलेगा टॉपर्स यहीं से निकलेगा बिल्कुल मेरे भाई तो बिल्कुल बता दे भाई सी की अगली परीक्षा कब होगी कब आ रहा है एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड कब का आ रहा है एग्जाम डेट कब आ रही है दोस्तों काफी सारे चैनल ने दिखाना शुरू कर दिया है कि एडमिट कार्ड आने वाला है डेट आने वाली है यार सब बकवास चल रहा है कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है सब र्यूमर बिता रहे हैं न्यूज चैनल में भी आ रहा है कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है सब एक बकवास की बात बता रहे हैं ऑफिशियल जो चीजें होंगे दोस्तों आशीष आपको बताएगा और जो ऑफिशियल वेबसाइट है सी डॉट एन आई सी डॉट एन आई सी डॉट इन दोस्तों यार ये या टीचर सड्डा आपको दो चीजें जो है बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें बताएंगे और कुछ विश्वास नहीं करना भाई कह रहे एडमिट कार्ड आने वाला अरे कुछ नहीं है ऐसा मार्केट में ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों जो ऑफिशियल वेबसाइट है सी डॉट एन आई सी डॉट इन या टीचर अड्डा नथिंग एल्स क्योंकि फालतू की चीजें आशीष नहीं बताता ट्रस्ट करिए तो वो चीजें जहां से हमें सही जानकारी मिले कह रहे एग्जाम नवंबर में होगा क्या वेबसाइट पे आया बिल्कुल नहीं आया है कुछ नहीं बताया गया है ऐसा दोस्तों है? बिल्कुल भाई तो दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और एनसीआर की बुक्स दोस्तों क्लास से लेके क्लास तक की दोस्तों सारी किताबें लेके मैं आप लोगों के लिए पॉइंटर बना रहा हूं वो पॉइंटर जो दोस्तों पॉइंट में पढ़े और सारे टेट एग्जाम और साथ साथ एसएससी का एग्जाम डी ट्रिपल एस के एग्जाम दोस्तों सबके लिए रामबाण है ये सबके लिए क्या है राम बाण है अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर मेरे को याद करेंगे सर ने सही कहा था क्योंकि मौज मस्ती का टाइम निकल गया रात को नींद नहीं आ रही सर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा तो जब ये जज्बा है है ना दोस्तों आंखों में दर्द होता है। परेशानी होती है घर की जिम्मेदारियां तो आदमी पढ़ता है और पढ़ता है तो सफल होता है समझ रहे हैं आप मेरी बात और मेरा ये परिवार सुपभ है तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे से कल मैंने आपको बताया था सामग्री पढ़ा रहा था मैं किस तरीके से तंतु क्या रोल प्ले करते हैं मैंने सवाल आपको बता दिया था नेचुरल फाइबर क्या होता है सिंथेटिक फाइबर क्या होता है कहाँ से मिलता है सब मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ जो नहीं थे एक बार वो देख लें सारे लोग और कल हमने जो दोस्तों पढ़ा था हम ये लास्ट टॉपिक ये पढ़ रहे थे कि मटेरियल कितने प्रकार का होता है आज हम उसी को आगे पढ़ेंगे दोस्तों आज हम उसी के बारे में आगे बात करेंगे

और बिल्कुल ब्लंट हो जाता है बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा आपको जैसे लकड़ी का कोई डिब्बा है गत्ते का डिब्बा है आपकी आंखों के सामने रखने तो आप दूसरी तरफ देख एक बार सभी मेरे दोस्त बताएंगे क्या आवाज आ रही है एक बार सभी लोग बताएंगे, दोस्त बताएंगे।, दोस्त बताएंगे।, दोस्त बताएंगे। क्या आवाज आ रही है क्या सबको आवाज आ रही है एक बार सभी लोग बताएंगे दोस्तों आवाज आ रही है, आ रही है। एक बार बताएंगे जरा यस सर मैं पहली बात तो मैं कहूंगा दोस्तों आजकल इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है आपको पता है कोविड ने दोस्तों सब खराब कर दिया है कोविड ने क्या कर दिया है सब खराब कर दिया है सारी चीजें डिस्टर्ब कर दिया भाई मेरी आवाज आपको क्लियर हो रही है सारी चीजें डिस्टर्ब तो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं एक बार बताएंगे जरा क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और बढ़िया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच दोस्तों शायद कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से कई कई बार क्या होता है ऐसा हो जाता है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं मुझे पता है अब दोस्तों कुछ अब यह क्या है हम जो यहाँ पे चल रहे थे भाई आगे हम जो आगे चल रहे थे मेरे भाई क्या हुआ था कि मैंने आपको ओपेक बता दिया था यानी जहां से नहीं देखा सकता और लास्ट क्या था ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट क्या होता है दोस्तों जो ट्रांसलूसेंट क्या होता है जो ये दोस्तों जिसमें क्या होता है वस्तु सही से दिखे नहीं परंतु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता यानी ब्लर्ड दिखाई देता है उन्हें भाषी बोलते हैं यह सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है क्या बोलते हैं भाषी बोलते हैं क्या बोलते हैं भाषी बोलते हैं भाई बिल्कुल मेरे भाई तो अब वो क्या हो दोस्तों इसके एग्जाम्पल अच्छा अब मैं आपको दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं क्या बहुत इंपॉर्टेंट है अवसादन क्या होता है अवसादन की बात करें सेडिमेंटेशन अवसादन की बात करें लक्ष्मी सोनोवाल बहुत बढ़िया सिस्टर बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो ये सेडिमेंटेशन क्या प्रोसेस होता है क्या कहलाता है सेडिमेंटेशन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों यह सीटेट के पेपर में पूछा गया है क्या बोलते हैं मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों का नीचे तली में बैठ जाने का प्रक्रम अवसाधन कहलाता है हमने कोई एक बीकर लिया बीकर में कोई एक घोल बनाया दोस्तों सुपोज करिए वाटर के साथ साथ हमने दोस्तों क्या डाल दिया उसके अंदर सैंड डाल दिया यानी कि मिट्टी डाल दी रेत डाल दिया और उसको घुमा दिया तेजी से उसको क्या कर दिया तेजी से घुमा दिया अब जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो जाके नीचे बेस में बैठ जाते हैं मेरी बात सुन मारिए हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो जाके नीचे तलहटी पर बैठ जाते हैं इस प्रक्रिया को दोस्तों अवसादन कहते हैं सेडिमेंटेशन कहते हैं क्लियर हो रहा है सबको अवसादन या सेडिमेंटेशन कहते हैं अच्छा अब वेन द वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन अब उस मिश्रण को दोस्तों वहां से पानी हटा दिया नीचे तो रेत बच जाती है जो ये प्रक्रिया होती है उसको डिकेंटेशन कहते हैं यानी निस्तारण कहते हैं सबको समझ में आ रहा है यह पेपर में कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि क्या होता है अवसादन और क्या होता है निस्तारण क्लियर हो गया अगला देखते हैं भाई अगली चीज क्या है दोस्तों नेक्स्ट बताते हैं क्या है

दोस्तों अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे दस चम्मच दस स्पून डाल दिए तो आप देखेंगे छह से सात स्पून बाद जब तक वो वाटर की डिजोल्विंग कैपेसिटी रहेगी वो घुलता रहेगा और एक समय ऐसा आता है शुगर उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगी घुलना बंद कर देगी आप जो भी शुगर डालेंगे वो उसमें डिजोल्व नहीं हो पाएगी क्योंकि वो जो आपका विलियन है जो आपका वो सॉल्यूशन सौलु, जो बनता है वो क्या हो जाता है दोस्तों सेचुरेटेड हो जाता है क्या हो जाता है संतृप्त हो जाता है मेरी बात सबको सुन मारिए क्या हो जाता है दोस्तों संतृप्त हो जाता है तो उसी चीज को बोलते हैं आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्योंकि एक समय के बाद जो वाटर की जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी होती है दो दोस्तों क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी उसके बाद उसमें कुछ भी डिजॉल्व नहीं होता है तो इस तरीके का सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाता है सेचुरेटेड या संतृप्त सॉल्यूशन कहलाता है सबको समझ मारा है सबको समझ मारा है बहुत बढ़िया भाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है बिल्कुल सही कह रहे हैं चाशनी बन गई बिल्कुल भाई विकास कुमार बिल्कुल सही पकड़ा दोस्त दोस्तों मेरा चाशनी कहलाता है वो अच्छा अब आगे दोस्तों क्या होता है एक और प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन कौन सा प्रोसेस है फिल्ट्रेशन करना यानी कि छानना जिसे बोलते हैं जिसे जिसे साइंस में निस्यंदन बोलते हैं क्या बोलते हैं निस्यंदन बोलते हैं अच्छा उसके अंदर क्या होता है दोस्तों आपने देखा होगा बीकर लिया बीकर में दोस्तों हम ये फनल रख देते हैं जिसे हिंदी में कुप्पी बोलते हैं जिसे दोस्तों कुप्पी बोलते हैं यहाँ पे एक वाटर पेपर लगा के कुछ भी छानेंगे तो सारा वाटर नीचे आ जाएगा और जो भी चीज होगी यहाँ फंस जाएगी जो भी चीज डिजोल्व नहीं हो पाएगी दोस्तों वो ऊपर क्या होता है फिल्टर रह जाता है और सारा पानी आके नीचे इकट्ठा हो जाता है इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोलते हैं और दोस्तों क्या बोलते हैं निस्यंदन बोलते हैं जैसे रेत के पानी से रेत अलग करना दोस्तों मेरी बात सुन है रेत के पानी से रेत को अलग करना छानना दोस्तों सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जब हम चाय बनाते हैं जब हम चाय बनाते हैं तो चाय की दोस्तों छन्नी में क्या होता है छान लेते हैं और सारी चीजें चाय की छन्नी में फंस जाती हैं चाय पत्ती है आपकी दोस्तों अदरक है जो भी आप चीजें चाय में डालते हैं वो चीजें ऊपर रिग जाती है तो नीचे सारा आपका लिक्विड आ जाता है यह निश्य कहलाता है सबको सोन में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है दोस्तों एक बार बता दीजिए क्योंकि नेटवर्क की इशू की वजह से कई बार क्या होता है दोस्तों क्लास डिस्टर्ब हो जाती है तो थोड़ा एक बार आप सभी लोगों से गुजारिश है एक बार आप सभी लोग दोस्तों क्लास को शेयर कर दें मेरे भाई क्लास को शेयर कर दें कि जो लोग चले गए उनको बता दें कि क्लास दोबारा शुरू हो चुकी है क्या बात है हिमानी कनौजिया बहुत बढ़िया मेरी सिस्टर आपने बी में करा था बहुत अच्छी बात है अच्छा लगता है देख के दोस्तों आपने सारी चीजें करी हुई हैं लेकिन क्या अब वो प्रैक्टिकली हम यहां सीखेंगे क्या क्या है अच्छा भाई एक होता है दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है इवेपोरेशन ये मैं सारी चीजें दोस्तों जो भी हैं एनसीईआरटी -E को बेस रख के बनाई गई हैं तो आप बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें क्या कहलाता है वाशपन इवेपोरेशन मतलब वाष्पन वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना खाली पानी को धूप में रख दीजिए दोस्तों खाली पानी को धूप में रख दीजिए सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है सारा पानी क्या होगा भाप बनकर उड़ जाएगा आप देखेंगे वाटर का लेवल कम हो जाता है दोस्तों कई बार मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं दोस्तों गर्मी के दिनों में क्या बोलते हैं जैसे कि हमने पौधे में पानी डाला थोड़ी देर बाद वो पानी अपने आप गायब हो जाता है क्यों क्योंकि जो सोख पाए सोखा नहीं तो बाकी सारा पानी भाप बनकर हवा में उड़ गया इस प्रोसेस को वाष्पन कहते हैं और दोस्तों इसी तरीके से नमक बनाने की प्रक्रिया जिसे लवण बोलते हैं नमक समुद्र के पानी से भरे हुए गड्ढों में सूर्य के तेज प्रकाश से वाष्प बनकर हट जाता है दोस्तों जो समुद्र के पानी से जो नमक बनता है दोस्तों गड्ढों में पानी डाल देते हैं जिसमें पानी में नमक घुला हुआ होता है और धीरे धीरे करके सारा पानी उड़ जाता है और नीचे आपका जो तलहटी पे बचता है वो आपका नमक यानी कि लवण कहलाता है सबको समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है भाई बहुत बढ़िया शानदार नम्रता भार्गव बहुत अच्छा सिस्टर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने रूबी चौधरी शानदार भाई विक्रांत मलिक बहुत बढ़िया शकुंतला अच्छा कर रहे हो बेटा बहुत बढ़िया अच्छा अब उसके बाद क्या है दोस्तों एक जो हिटिंग क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार पूछा गया है जो वुल है दोस्तों किस किस बनती है जो याक वुल है कौन सी वुल है याक की जो वुल है वो कहा पाई जाती है दोस्तों दो जगह जीएस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एक नंबर आप अपना यहां पक्का कर लें तिब्बत और लद्दाख दोस्तों दो जगह है बहुत फेमस है जहां पर याक की उन पाई जाती है तिब्बत और लद्दाख सबको मा आ मारा है तिब्बत और लद्दाख होता है आगे चलिए बच्चे अब आगे बात करते हैं एक दोस्तों शिप होती है अगला क्वेश्चन जो सीटेट का एक नंबर यहाँ पक्का कीजिए एक अंगोरा नाम की बकरी होती है कई बार पेपर में पूछा गया है किस नाम की बकरी है वो अंगोरा नाम की बकरी है जो बेसिकली कहाँ पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है अब सबसे बड़ी ख़ास बात क्या होती है इस इस बकरी के बाल बहुत ही ज़्यादा मुलायम है, होते हैं यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ज्यादा सॉफ्ट होते हैं तो इसके बालों से दोस्तों पशमीना शॉल बनाई जाती है इसके बालों से कौन सी शॉल बनाई जाती है पशमीना शॉलें बनाई जाती हैं और यह शॉल बहुत ज्यादा गर्म होती है दोस्तों समझ में आ रही बात बहुत ज्यादा वाली शॉल क्या होती है दोस्तों बहुत ज्यादा गर्म होती है और बढ़िया भाई मंजू रानी बिल्कुल मेरी सिस्टर समझ में आ रहा है ये सीधा सीधा क्वेश्चन एनसीआर से उठाए जाते हैं कई बार पूछा गया है कौन सी बकरी होती है जम्मू एंड कश्मीर से जहां से ये पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं तो आप तुरंत याद रखें अंगोरा नाम की बकरी है वो कौन सी है वो अंगोरा नाम की बकरी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबको तो आ रहा है इसी वजह से पश्मीना शॉल बहुत ज्यादा महंगी होती है बात सुन मे दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंटर अगला पॉइंटर क्या है फर दोस्तों जिसे हेयर बोलते हैं आपको पता है जो ऊट होता है जो कैमल होता है उसके जो फर होते हैं उसको भी वुलन की फॉर्म में यूज किया जाता है क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा गर्म होता है तो कैमल के फर का भी उपयोग करते हैं वुलन के अंतर्गत सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन मारे भाई बहुत बढ़िया क्या बात है बहुत बढ़िया बिल्कुल शकुंतला सही कह रहे हो भाई ढाई सौ घंटे के आसपास लगते हैं उसको करने में बहुत बढ़िया अगला क्या है दोस्तों लामा एंड एल्पेजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेड में कई बार पूछा गया है क्या लामा और एल्पेका ऑल रिलेटेड टू द स्पीसीज ऑफ कैमल ये क्या है कैमल की दोस्तों प्रजातियां हैं तो याद रखिएगा, लामा और एल्पेका किसकी है कैमल की प्रजातियां हैं इनके बालों का प्रयोग उनके लिए किया जाता है दोस्तों किसका हेयर्स का और ये कहा पाए जाते हैं साउथ अमेरिका वेरी इंपॉर्टेंट कई बार पेपर में बच्चे गलत कर देते हैं कई बार ये पेपर में बच्चे गलत कर देते हैं पूछ लिया जाता है कौन सी प्रजाति से बनता है कौन सी प्रजाति से बनता है लेमा और एल्पका बहुत बढ़िया भाई बहुत शानदार दोस्तों तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कुछ ऐसा भाई बहुत शानदार अब एक बार दिल की धड़कन थाम लीजिए क्योंकि दोस्तों जो साइंटिस्ट जो हमारा क्या है दोस्तों साइंटिस्ट ये तो ग्रेट साइंटिस्ट अवार्ड आज का अवार्ड किसको जाएगा जिसने होमवर्क का कल वाला आंसर बताया था कल वाला हमारा क्वेश्चन ये था दोस्तों जो आपका होमवर्क में था तो आपका होमवर्क में दिया गया था और कमेंट बॉक्स में मुझे काफी कमेंट मिले कुछ सही मिले कुछ गलत मिले कुछ लोगों ने कमेंट पहले करा लेकिन उनका आंसर गलत था तो सही आंसर वो पांच नाम जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया और सही आंसर दिया सही आंसर दिया सबसे पहले आंसर दिया दोस्तों उनको यह दिया जाएगा ग्रेट साइंटिस्ट अवार्ड तो कौन कौन है मैं एक बार नाम बताता हूं पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है भाई क्वेश्चन क्या है पेट बोटल दोस्तों पेट बोटल आपने देखा होगा जिसमें माजा आती है फ्रूटी आती है माजा की बोतलें फ्रूट दोस्तों फ्रूटी की बोटलें आपकी जो भी कोल्ड ड्रिंक वाली बोटलें आती हैं, बिस्लरी की बोटल आती है सब पैट बोटल कहलाती हैं। अब यहाँ पे क्या है उसके अंदर जो है कॉमनली यूज कराया जाता है एडिबल आइटम्स क्योंकि पैट क्या है पी क्या है क्या वो पोलिस्टर है एक्रिलिक है रेयन है या पोली है क्या है वो तो सही आंसर की तलाश कल काफी लोगों ने इसका आंसर दिया काफी लोगों ने इसका आंसर दिया लेकिन इसका सही आंसर दोस्तों जो था मैं देख पा रहा था काफी बच्चों ने जो बताया था और गलत बताया था और इसका सही आंसर है ए पोलिस्टर कहलाता है वो क्या है पोलिस्टर है बहुत शानदार अब वो साइंटिस्ट जो वही ग्रेट साइंटिस्ट अवार्ड किसको जाएगा सबसे पहले जाता भाई नरेंद्र सिंह मेरे भाई बहुत बढ़िया नरेंद्र सिंह बहुत बढ़िया आकांक्षा सिंह शानदार भाई बहुत बढ़िया खेला आकांक्षा सिंह श्वेता मिश्रा बहुत बढ़िया सिस्टर रितु दीपक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और एक आखिरी नाम राजेश कुमारी एक आखिरी नाम किसको जाता है राजेश कुमारी को जाता है और शकुंतला तेली बहुत बढ़िया शानदार तो दोस्तों साइंटिस्ट अवार्ड आपको जाता है आज का अब खेलिए आगे क्वेश्चन तीस में से तीस की तैयारी तीस में से की तैयारी एक बार लेकिन मेरे सभी दोस्त एक बार सेशन को शेयर कर दें और टीचर अड्डा एक बार सब्सक्राइब करेंगे भाई सब्सक्राइब टीचर अड्डा दोस्तों सब्सक्राइब अड्डा और एक बार सेशन को शेयर कर दें और मैं देखता हूं कितने लाइक बढ़ते हैं मैं देख रहा हूं लगभग 200 बच्चे देख रहे हैं लेकिन कितने लोगों को सेशन पसंद आ रहा है और वो लाइक करते हैं मैं देखना चाहता हूं क्या है सुपर पावर मेरे परिवार की क्या है सुपर पावर मेरे परिवार की मैं देखना चाहता हूं जल्दी से एक बार लाइक का सेशन बढ़ाएंगे भाई तुरंत क्या बात है बहुत बढ़िया भाई तेजी से सबने सब्सक्राइब भी करना शुरू करा और सेशन भी शेयर शुरू कर दिया बहुत बढ़िया क्या कहते हैं लाइव चैट में इसका आंसर चल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा इनमें से आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है नाइलॉन देन एक्राइलिक या पॉलिस्टर सही कौन सा कहलाता है वाह भाई वाह मैं देख पा रहा हूं मैं देख पा रहा हूं बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार वाह भाई वाह राखी यादव शकुंतला कृतिका हिमानी कनौजिया बहुत बढ़िया आई लव माई इंडिया बहुत शानदार खेल रहे भाई कह रहे थे सीधी सी बात है रेयन को लॉक कर दो क्योंकि मैन मेड फाइबर जिसे सिंथेटिक बोलते हैं क्या हो जाएगा रेयन हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया टॉपर्स धूम मचा दो भाई मचा दो मेरे टॉपर्स बहुत अच्छा लगता है देख के हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा इसमें विषम मांगी मिक्सचर है दोस्तों हेट्रोजीनियस होता है जो घुलते नहीं हैं यानी जैसे वाटर और ऑयल सैंड और वाटर जो एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते हैं हेट्रोजीनियस यानी विषम यांगी मिश्रण कहलाते हैं कौन सा होगा एयरफी ने बैलून ब्रास स्टेनलेस स्टील या आयोडाइज टेबल सोल्ट बिल्कुल हिमानी बहुत बढ़िया मेरी सिस्टर अच्छा कह रहे हो आंसर बहुत बढ़िया क्या हो कहलाता है वो क्या कहलाता है वो भाई मैं देख ना पाऊंगा भावना नवगढ़े बहुत बढ़िया भावना शानदार खेल रहे हो भाई भावना शानदार खेल रहे हो यागी की बात कर रहे हैं विषम यागी की बात कर रहे हैं यानी कि बहुत बढ़िया ए नहीं होगा ए कैसे दिखाई देगा ए नहीं होगा सी भी नहीं होगा बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देखियो जो हैट्रोजीनियस मिक्सचर है जो दिखाई नहीं देता है दोस्तों जो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं मैंने आपको बताया सैंड और वाटर, क्या बताया सैंड और वाटर तो इसका बिल्कुल जो दोस्तों सही होगा वो क्या होगा आयोडाइज टेबल सॉल्ट क्या होगा आयोडाइज टेबल सॉल्ट होगा समझ में आ रही बात सबको क्लियर हो रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन मेरे टॉपर्स अगले क्वेश्चन की हो जाइए तैयारी और दोस्तों कल है थर्सडे नहीं सॉरी आज है ट्यूसडे वेडनसडे थर्सडे दोस्तों कल और साइंस की क्लास चलेगी बुधवार तक उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपका जो आपका साइकोलॉजी है सीडीपी की क्लास होगी तो कल भी इसकी ही क्लास से कई बच्चे पूछ रहे सर कौन सी क्लास चलेगी तो बहुत बढ़िया भाई कल भी आपका जो है साइंस ही चलेगा अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ थ्री मेटल विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट जो फ्री स्टेट में मिलते हैं तो में मिलते हैं फ्री स्टेट में मिलते हैं एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर गोल्ड आयरन सिल्वर कॉपर गोल्ड आयरन या सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम दोस्तों फ्री स्टेट का मतलब होता है जो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं यानी कि जिनका रिएक्शन नहीं होता है उनको फ्री स्टेट बोलते हैं जिनका रिएक्शन नहीं होता है तो सही आंसर की तलाश सही आंसर की तलाश वही देख रहा हूं मैं काफी लोग बता पा रहे हैं डी को लॉक कर दो वाह भाई वाह वर्षा मुकेश सोनू भाई बहुत शानदार हो विक्रांत मलिक मेरे भाई बहुत बढ़िया विक्रांत मलिक मेरे भाई बहुत शानदार खेल रहे हो मीरा उन्ना कैटल बहुत बढ़िया भाई कह रहे हैं सीधी सी बात है आपने देखा होगा दोस्तों गोल्ड जल्दी खराब नहीं होता चांदी जल्दी खराब नहीं होता प्लेटिनम की तो भूल ही जाओ क्योंकि ये दोस्तों ये सब क्या है रिएक्ट नहीं करते हैं मेरी बात आप समझ पा रहे हैं तो ये लोग जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं किसमें होते हैं फ्री स्टेट में पाए जाते हैं बहुत बढ़िया शानदार भाई और दोस्तों एट्थ वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क के लिए दिया जाता है आप लोग कितना बढ़िया करते हो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं मैं आपके आंसर का वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कितने लोग सबसे पहले आंसर देते हैं और सही आंसर देते हैं ठीक है दोस्तों तो इसी के साथ विदा लूंगा आज नेटवर्क का इशू रहा माफी चाहूंगा लेकिन कल दोबारा मिलेंगे तीन बजे इसको आगे कंटिन्यू करें और हमारा मटेरियल लगभग लगभग खत्म होने वाला है